एनालिस्ट राजा काशिफ जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। इसी स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे कि एहतसाब अदालत सही नहीं है, मरियम नवाज साहब का ये कहना है। बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं कि जो इंसाफ के तकाजे होते हैं हर पाकिस्तान के आम शहरी के लिए, वो ये हैं कि आप जब किसी भी ट्रायल कोर्ट का सामना करते हैं तो वो ट्रायल कोर्ट अपनी हदूद में आज़ाद कोर्ट होती है, जज के ऊपर कोई दूसरा जज नहीं बैठा होता है। और टेक्निकली भी ये चीज़ उस वक्त तक सही नहीं हो सकती कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जज या मसनद इंसाफ से बैठा हो, कोई शख्स उस वक्त तक इंसाफ फ्री माइंड के साथ नहीं दे सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई तलवार न लटक रही। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नई अदालत की पूरी प्रोसीडिंग्स पर अपनी एक सुपरविजन अपना मुकर, ठीक है, जिस वजह से टेक्निकली ये चीज जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही। देखें, ये जो आम तासुर बन रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली अदालतों का एहतराम नहीं कर रहे हैं, ये एक मुखालिफिन की तरफ से एक तासुर दिया जा रहा है कि मुल्की प्रोपेगेंडा है। मगर एट द सेम टाइम हमें ये तो नजर आ रहा है कि हर पेशी पे ये बजाते खुद मौजूद होते हैं, ना सिर्फ पेशियों पर मौजूद होते हैं बल्कि जो सबसे बड़ा फैसला आया जिसके नतीजे में वजीर आजम की नाअहली हुई तो उन्होंने फैसला मनोन तस्लीम किया, उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब छोड़ दिया, वजीर आजम हाउस उन्होंने खाली किया और वो सीधे जो है वो लाहौर चले गए। और अपनी लेकिन किसी को ये हक से इस हक से महरूम नहीं कर सकते कि अगर वो अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना ले तो हम उसे सियासत करने का हक ना दें। ये आवाम का हक है, ये लोगों का हक है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपनी पार्टी का सरबरा मुंतखब करें। ये मेरा हक है कि मैं किसी को अपना सरबरा अपनी अपना सियासी कायद मानता हूँ या नहीं मानता, ये मेरा बुनियादी आइनी इंसानी हक है, उससे हम लोगों को महरूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मामला अब जो जिस तरह से डेली डेवलपमेंट होती जा रही है, अब मामला हमें कानूनी और आईनी मामला से ज्यादा सियासी मामला लग रहे हैं। यूं लग रहा है, ये तासुर आम होता जा रहा है, पाकिस्तान के लोग ये सवाल करने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही क्यों, और अगर एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का तो फिर वोट भी नवाज शरीफ का, फिर हम बार बार इकदार में उसी शख्स को लाएंगे जिसका एहतसाब होता है, क्योंकि हम तो उन्हीं लोगों को इकदार में देखना चाहते हैं जिनका दामन साफ हो, जो हमारे सामने एहतसाब से गुजर के आ रहे हैं। याद रहे कि यह एहतसाब का इदारा मियां नवाज शरीफ के दौर में ही शुरुआत हुआ था। वो क्यों, अगर वो करप्ट होते, अगर वो उनके इलीगल मीन के साथ पैसा कमाया होता तब इस तरह के इदारे की बुनियाद नहीं है। और अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद जब से वो वजीर आजम कुर्सी पर नहीं रहे हैं, हालात मुल्क के क्यों खराब हो गए हैं, मईशत क्यों बिगड़ती जा रही है, मुल्क जिस तरह से एक तरक्की की राह पे रामनंद था वो तरक्की की राह डिस्टर्ब क्यों हुई है। लोग अब हौसला जाने देंगे बात पूछने पर कि आया क्या वजह है। वर्ल्ड बैंक की कल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने ये एनालाइज किया है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लगा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा धचका लगा है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा धचका लगा है। तो ये और सारी चीजें हैं जिसे हमें देखना पड़ेगा। और ये तासुर भी गलत है कि ये पाकिस्तान में इदारे आपस में लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अदलिया का बेअंतहा एहतराम करती है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की अफवाज का बेअंतहा एहतराम करती है। मियां नवाज शरीफ साहब और जनरल राहील शरीफ साहब के बहुत सारे मामलात थे, बल्कि तमाम मामलात को एक पेज पे हुआ करते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल बाजवा आए, उनके साथ भी उनकी बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग रही। तो इदारों की आपस में कोई कुछ लोग टेलीविजन पर बैठ के इस तरह के सोचे छोड़ देते हैं, इस तरह के अल्फाज बोल लेते हैं, भले वो मुखालफिन की जानब से हों। और मैं यहाँ पे बड़ी हकीकत पसंदी से काम लूंगा कि कुछ हमारी पार्टी के लोग जिस तरह का तासुर दे देते हैं, जैसे लगता है कि इदारे हमारे खिलाफ हो गए, इदारे खिलाफ नहीं है, अफराद खिलाफ हो सकते हैं, अफराद की साजिश हो सकती है और उन अफराद में कुछ मोहरे हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में बेतहाशा सवाल उठाए जिसमें से चंद मुझे याद रह गए और इसमें इनका ये कहना है और ये सबका ही कहना है, अगर हम अपने आवाम की सतह पर भी देखें कि जी एहतसाब बाकी ऐसा लगता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है और उसमें बिलखसूस एक ही फैमिली का हो रहा है। अगर एहतसाब की एक रविश कायम हो गई है और शुरुआत हो गई है तो वाई नॉट अदर्स, दूसरों को क्यों नहीं
जमरे में लाया जा रहा है या लाया जाएगा, तो थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बात कीजिएगा, क्योंकि फिर इन्होंने उसे जोड़ा बड़े मजेदार तरीके से वोट के साथ कि अगर एहतसाब उनका तो फिर वोट भी उनका, अगर एक ही पार्टी को या एक ही शख्स को बार बार तकलीफ से गुजरना है तो जाहिर है सारे फायदे भी उसी के ही होने चाहिए। देखें एहतसाब से पहले किस बुनियाद पे होगा, ऐसा सी बात तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए एहतसाब होगा कानून की बुनियाद पे, कानून साजी एक प्रॉपर एक चीज है, अदलिया का काम उसका तशरी करती है, वो इंटरप्रेट करती है, कानून बनाती नहीं है, कोई भी दुनिया की अदालत कानून नहीं बनाती, कानून बनाने वाली आपकी जो पार्लियामेंट है, जो ये कह रहे हैं वोट आपका, वोट के जरिए अवाम। देखें ये जब से सिस्टम आया डेमोक्रेसी मैग्ना कार्टा के बाद तब्दीलियां जो आई यूरोप से हमारे सामने चीजें, यूरोप से ही सब चीजें आ रही है ना, ये जब सब चीजें आई उसके बाद पार्लियामेंट का तस्वुर जो है कानून साज इदारा है वो बुनियादी तौर पर वो इख्तियार आपको इंफरादी इख्तियार दे रहा है, लेकिन उसका बुनियादी इख्तियार क्या है, वो आपको कानून साजी की तरफ लेके जाता है। एहतसाब हो रहा है, आपने जाके कहाँ पे ये सब चीजें देखनी है, आपके ये चीजें आपकी क्या कहना चाहिए इंसाफ की कानून की कमजोरियां कजी ये सब चीजें जाहिर हो रही हैं कि कहां कहां गैप्स हैं, कहां कहां शिगाफ हैं, वो सब चीजें अब वो वक्त आ गया है मैं ये समझता हूँ। देखिए एक होता है वकील, एक होता है मीडिया का वकील, मीडिया पे सब वकील बने हुए हैं, मसला ये हो गया है। अच्छा मीडिया रिलेटेड नहीं, लेकिन उस चीज पे आप आए नहीं ना कि एहतसाब फिर सबका होना चाहिए। देखिए हम तो हर चीज में मीडिया को ले आते हैं, मीडिया की भी हम बात करेंगे और मीडिया में वाकई ट्रायल अभी हो रहा होता है या कोर्ट में एक ही फैसला होता है, देखिए मीडिया में बात फिर टीवी पर भी उसकी बहस शुरू हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए अमूमन, या फिर अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद उसको सही गलत करने की कोशिश की जा रही होती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में बात की, राजा साहब ने कहा कि जी एहतसाब सिर्फ ऐसा ही क्यों लगता है कि एक ही शख्स के पीछे दुनिया पड़ी है या फिर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, कानून साजी जो हो रही है या कानून के दायरे में जिसको लाया जा रहा है वो एक ही शख्स है, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा और बाकी लोगों का एहतसाब कितना होना जरूरी है इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर वेट करें और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसी हैं जी? ठीक ठाक, थैंक यू, आप बताइए जी। आप आपके तमाम मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आज आपने बहुत ही सख्त मौजू को छेड़ा है जी, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी दो बातें कर लेता हूँ। जी जी कीजिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह जब मरीम नवाज साहबा पेश हुई तो वहाँ पे एक गलत किस्म का वाक्य रुनमा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मौजूद कौमों में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तीसरी दुनिया शुमार होते हैं और साफ नजर आ जाता है कि वाकई हम अभी तक तीसरी दुनिया में ही हैं। वकील हमारे अपने हैं, मीडिया के लोग हमारे अपने हैं, पुलिस हमारी अपनी है, वो भी हमारे आम लोग हैं, फौज भी हमारी अपनी ही है जी। तो हम अगर तहजीब के साथ एक लाइन बनाकर भी जो अंदर जा सकते हैं, किसी तौर तरीके के साथ भी जो अंदर जा सकते हैं, अब हम भी आम द्वार लोगों की तरह एक दूसरे पे चढ़ के, मैंने वहां देखकर के खातून खतर मार रही थी किसी को, एक वकील गिर पड़ा, दूसरे को डंडा लग गया, कुछ लोग कारों पर गिर पड़े, उस तरह की रवैश मेरे ख्याल होनी नहीं चाहिए। तो आपके सामने मेहमान ग्रहण इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अब ऑब्वियसली अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को भी इस बात का शऊर है, या बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसे एक्ट जो टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं या वैसे देखने में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, तो उसमें आपका आर्ग्यूमेंट अपनी जगह हो सकता है, इस आर्ग्यूमेंट को जरूर उजागर करेंगे। लोग सोचने के लिए बहरहाल लोग खुद फैसला करने लग गए हैं कि भाई ये चीज हो रही है तो गलत हो रही है। अच्छा देखिए, एक फर्द की जहां आपने बात की कि एक फर्द का ऐसा लगता है, ये हकीकत है कि एक फर्द की जब बात आती है तो हर चीज एक्टिव हो जाती है, यूं लगता है कि पहिए लग गए बल्कि पर लग गए और फैसले भी एकदम से आने लगते हैं। जब बाकी लोगों की जब बात आती है तो वो पर क्या, उनको लगता है कि चींटी की तरह वो रिंगने लग जाते हैं। ये एक हकीकत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नून लीग के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सब ये कहते हैं, उसको वोटर बड़ा परेशान कि यार हमारे साथ क्या ये हैंड हो रहा है, कि वो वाकई हम ट्वीट पे देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं लोगों की, इतनी सैकड़ों ट्वीट है कि यार ये क्या हो रहा है। और ये वाकई एक सोचने की बात है कि एक फर्द का एहतसाब, उसके बाद सवाल उठता है। आज हमारे सामने सुर्खी भी है, बाकी देखें जिन्होंने घड़ा खोदा जो लेके गए आज वो भी सब कटेरे में, लेकिन उनके इंसाफ में जितनी ताखीर होती जा रही है, जितनी चीजें लेट हो रही हैं, ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों थोड़ी सी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो एहतसाब परफॉर्मेंस का भी होना चाहिए। आप गो के पीएमएलएम से आपका ताल्लुक है, लेकिन रहते तो सिंध में,
सिंध की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल, जो यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो हमारे पास तो परफॉर्मेंस पे भी बहुत सारे सवाल उठाने चाहिए। जी जी। सिर्फ एहतसाब यही तो नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पर जो काम हो रहे हैं, प्रोविंसेस के साथ जो सलूक हो रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद, जी कहा जा रहा था प्रोविंसेस पावरफुल हो जाएंगे तो वहाँ काम होगा, शहर जो है वो पता नहीं क्या बन जाएंगे और कितनी खूबसूरती आ जाएगी, सफाई हो जाएगी, यहाँ तो गंदगी के ढेर, यहाँ सफाई के प्रॉब्लम्स, यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने प्रॉब्लम्स हैं, आप सब यहाँ के रहायशी हैं, कराची की सूरत हाल आप लोगों के सामने, मतलब 18वीं तरमीम हमारे लिए, हाँ 18वीं तरमीम को एक डेवलपमेंट सोचा गया, उसे अप्रिशिएट किया गया, लेकिन उसके बाद वो क्या रहा है? कोई इदारा नहीं है जो प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं है इस तरह, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जिसे मॉडल स्कूल कह सकें, तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ट स्टाफ होना चाहिए, और ये जो इश्यूज अभी पनामा के हवाले से या मियां नवाज शरीफ के अकामा के हवाले से सजाएं हो रही हैं या जो नेट में रेफरेंसेज हैं, ये सब बहुत पुराने हैं केसेस हैं, ये इनका ताल्लुक इस नए जो हमने मैंडेट लिया 2013 के इलेक्शन में, 2013 के बाद अब कोई मेगा स्कैंडल नहीं है, कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, कोई किकबैक और कमीशन का स्कैंडल नहीं है। 2013 में जब हम PMLN फ्रेश मैंडेट लेके आई, उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब के 11 साल और हमारे मुखालिफिन की हुकूमतें, उसमें ये इल्जामात, ये हुदैबिया पेपर मिल, ये रमजान शुगर मिल, ये दीगर सारी चीजें, ये लंदन फ्लैट के मामलात, ये आते रहे हैं। लोगों ने उन तमाम इल्जामात के बावजूद 2013 में हमें फ्रेश मैंडेट दिया, और 2013 के बाद हमने लातादाद तरक्की के मंसूबे लगाए, बिजली के मंसूबे लगाए, गैस को अगर पाकिस्तान में कम हो गई, जुआ साहब से पूछ लेते हैं कि क्योंकि जब हम 4 साल कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं, अब 5 साल भी होने वाले, तो 4 साल कारकर्दगी या 4.5 साल को आप किस तरह से, अगर जर्नलिज्म के एस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि आप लोगों की बड़ी तनकीदी निगाह होती है, कौन सी चीजें जो आप समझते हैं बाकी डेवलपमेंट का हिस्सा है एंड दैट रियली मैटर्ड? देखिए, इन गुज़िश्ता 4-5 साल में जितना भी वक्त है, ये टेन्योर था, उसूलन ये होना चाहिए था कि अगर आप एहतसाब करने जा रहे थे तो इन सालों का पूछते कि यार ये जितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं इनमें क्या हो रहा है। आप वो वाली बात होती है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बल्कि गड़े मुर्दों के ऊपर गोश्त चढ़ाना फिर उसको नोचना, गिधों की वाली हरकतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये की जा रही हैं और ये बिल्कुल नफरत को जन्म देती हैं। और वो कहते हैं कि नफरतों का निसाब पढ़ के मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। वाह भाई, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना तो वाकई बड़ा ही मुश्किल काम। अब ये देखें कि माजी से एक जोड़ के लाना और उसको घेरना, देखिए पनामा को ही देख लें कि पूरी दुनिया में हुआ, आप लेके उसको जिस तरह पटकते रहे ऐसा लग रहा था यार एक चीज आई है। आप अपने टेक्निकल चीजें देखें, आपकी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। मैं सिर्फ शहीद मिल्लत रोड की आपको बात करूं, 11 बिल्डिंग्स आज से 6 माह पहले बन रही थी, उनमें बिजली भी चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा, बिजली के कितने नून लीग ने आके काम किए हैं, आप कितने बड़े मुखालिफ क्यों ना हो। मैं इस वक्त देख रहा था जितने कॉलम्स हैं अब ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर, साइक्लोन नहीं सही, कई कॉलम मुखालफी लिख रहे थे कि यार ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, 11 जगहों पे रुका हुआ है, लोगों ने एनजीओज ने किए हुए कि जी ये तारीखी बिल्डिंग हिल रही है, ये फलाना हिल रहा है। यार आप टेक्निकली उसको हल करो, अदालत से बाहर, अदालत में जाओगे 10 साल लटक जाएगा, आवाम रुल जाएगी ना, आज ट्रेन खड़ी है नहीं चल रही, बिजली के कितने दिखे, बिजली का ये तो आपको हमें तस्लीम करना पड़ता है, बल्कि सब देख रहे हैं। अब मसला ये हो रहा है मोबाइल फोन बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत, पैदावार, देखिए पैदावार तो उन्होंने बढ़ाई लेकिन फिर उसकी जरूरत और बढ़ गई। अब मसला ये हो रहा है कि नून लीग की जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी 4 साल के अंदर, हम ये जितना कुछ देख रहे थे, उसके बाद ये जो चीजें हुई ये टेक्निकली बड़ी गलत है। देखिए एक शख्स लेके चल रहा है हुकूमत में, मुझे याद है कि हर वक्त हम इस बारे में बात करते थे, वैसे याद आ गया, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, अब मुझे याद आ गया क्योंकि उस वक्त मैं प्रोग्राम किया करती थी, तो हर वक्त एक डेट आती थी कि इस गर्मियों तक, इस सर्दियों तक, इस दिसंबर तक लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया था फॉर मल्टीपल रीजंस। लेकिन हाँ, इस बार हमने देखा और पंजाब में खसूसी तौर पे, क्योंकि जब भी वहां की ट्रैवलिंग होती थी तो वहां पर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी, 1 घंटे बिजली आती थी, 2 घंटे जाती थी, बड़े शहरों में भी, जिसका खात्मा काफी हद तक हुआ है। तो जो आपने कहा कि बिजली के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे या इशूज थे उनको कर्व किया गया है, और ये आपकी वो फैसिलिटी है या यूटिलिटी है जो न सिर्फ आम सार्फीन के लिए बल्कि कमर्शियल लेवल पर भी इसकी जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसके बूस्ट होने की या एक्सपोर्ट बढ़ाने की, तो उसमें भी हमें इन तमाम की जरूरत है। का पहिया ही नहीं चलेगा, बिजली तो बुनियादी चीज है। आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन आपके नाम कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी शुरू हुआ, ये बहुत सारी चीजें देखें, पूरे ड्रामा भी हो जाए, शुरू तो हुआ है, देखें बीच में गैप आ रहे मियां साहब
कि बाज इतना बड़ा आया यार, एक साल से आपने एक शख्स को अदालतों में घसीटा हुआ है, वो सोचे तरक्की का सोचेगा, वो एक ड्राइवर एक गाड़ी चलाएगा या इधर उधर देखेगा उसकी आपके कभी कुछ उसको खेचे? टेक्निकली ये बड़ी गलत चीज थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। जिसने भी किया आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब ये खुलेंगे, जैसे होता है यूरोप में कि जी ये चीजें आई थी 70s का भी आया कि हुकूमतें किस तरह गिराई गई थी, किन लोगों को पैसे दिए गए, किस चीजों में आड़ की है, तो ये चीजें भी आएंगी। मौर्रिख लिखेगा आने एक वक्त में लिखेगा और वक्त साबित करेगा कि ये पानामा के नाम पे भी हुकूमतें गिराई गई, तरक्की सी पैक आपका एक तरफ से मुतासर हो गया, बड़ी चीज चल रही थी, स्मूथ सब कुछ चलना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें दोबारा होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितना भी ये जितनी ट्रांजिशन हुई मियां साहब की, उसके बावजूद भी चीजों को स्मूथली चलाया जाए, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी तरह चलाए जाए। जो बाकी आपने इम्प्रेशन की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की, इकोनॉमी की बात की, तो एक वैसे इन्फ्लुएंस तो यकीनन पड़ा होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से या नून लीग की जानिब से हमने देखा कि एक इस पूरे ट्रांजिशन में, इस तमाम कार्रवाई में किसी भी चीज को हैम्पर किए बगैर, रोके बगैर, उसमें किसी भी किस्म का हर्डल डाले बगैर तमाम चीजों को पूरा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पाया तकमील तक पहुंचा। मोटरवे आप देखें कितना जबरदस्त हो जाए, हैदराबाद से कराए, हम सोच नहीं सकते थे। आप आए, मैं तो मतलब ट्रैवल करना है जिंदगी में, आए क्यों, मैं यहीं रहती हूँ, मैं मोटरवे जाने देखती हूँ, मतलब कभी ट्रैवल करें एक जिंदगी खराब हो जाती है। अभी आप बात कर रही थी कि जो पिछले अदवार में हम खुद क्रिटिसाइज करते थे कि यार काम नहीं हो रहा। देखें 11 साल जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में एक भी मोटरवे की इंच नहीं लगी, एक बिजली के मंसूबे की तार नहीं लगी, एक मेगावाट नेशनल ग्रिड में इजाफा नहीं हुआ। फिर 5 साल जरदारी साहब के में भी यही हालत रही। हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, अभी इसी मोटरवे की बात करें, कहते हैं कि बड़ा नैरो मोटरवे है। हम कहते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाया 3-6 रोया है। ये भी आई है नैरो मोटरवे, नैरो है ये, नैरो माइंड हो सकता है, नैरो माइंड है ये, नैरो माइंड है। हमने इतना शानदार हमने बना लिया, बीच में उसके अंदर वो दीवार भी अभी वो प्रोसेस जारी है, कम्प्लीट। हाँ, लेकिन आपने तो एक ईंट नहीं लगाई, एक पत्थर नहीं रखा, एक ड्रम नहीं रखा डांबर का, जिसमें आप कह सकें कि हम कोई तरक्की कर रहे हैं। इश्यूज ये हैं कि इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ और PMLN नाकाबले शिकस्त पार्टी बनती जा रही थी, और उसमें उनका कोई वो सियासी ट्रिक्स नहीं थे। सिंपल चीज ये थी कि वो परफॉर्मेंस दे रहे थे और डिलीवरेंस के बेस पर वो नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। हम आपने कहा ना कि जी चले हम डिस्टर्ब जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की तरजीह है कि हम अपने तमाम मनसूबे पूरे करें। क्यों? वो इसलिए अब 2018 के इलेक्शन में हमारे मुखालफीन पानामा और ये सजाएं और नाइलियां ये लेके जाएंगे, हम अपनी 5 साल की कारकर्दगी लेके जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि देखें 2013 का पाकिस्तान और 2018 का पाकिस्तान में कितना फर्क है। 2013 में अंधेरे थे, 2018 में रोशनियां हैं। मैं तो कहती हूं कराची में भी अमन 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 की सुरत है। बहुत बड़ी बात जो यहां मैं समझता हूं क्रेडिट जाता है। अब देखें, मैं तो कहता हूं कि ये एक हुस्न इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मुझे कल मेरी अपार्टमेंट का चौकीदार कह रहा था कि रिया साहब नवाज शरीफ साहब चले गए तो छुरी वाला आ गया, काश नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो ये खौफ है हमारी औरतों में कि छुरी वाला जो है वो जख्मी करके चला जाएगा, ये खौफ नहीं होता। तो लोग अब सोच रहे हैं, और मैं आपको बताऊं जिस तरह मुझे पहला मैंने कहा था कि अगर एहतसाब नवाज शरीफ का तो वोट भी नवाज शरीफ का। मैं पिछले दिनों जब 120 के इलेक्शन थे लाहौर में, मैं वहां गया तो ये मुझे एक आम आदमी ने, एक रेडियो वाले ने मुझे कहा, हमने कहा नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे, इसलिए हमने कहा एनालाइज करते हैं। उसने कहा कि वोट इसलिए देंगे कि एहतसाब उसका हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हम जिसे वोट दें वो एहतसाब के अमल से गुजर जाए। पंजाब की बात की जी, हाँ बहुत खैर पूरे मुल्क में ही ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो पता चल रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है, लेकिन जिस तरह हमने कुछ सालों में इवन जब पिछली हुकूमत थी और पंजाब में नून लीग लुक आफ्टर कर रही थी बहुत सारे मामलों को, तो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हुए थे, पंजाब की जिस तरह शक्ल बदली जा रही है, वाकई उसके बाद लोग वहां बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। जैसे आज हम सिंध को लेकर रोना रो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मकामी हुकूमत या प्रोवेंशियल हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो हम उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। तो जब पिछली हुकूमत थी फेडरल में, हमारे पास हुकूमत चेंज थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में काम हो रहा था, और उसी के बेसिस पर लोग, हाँ सूबाई हुकूमत उसी वक्त, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के पास थी, और उस वक्त से लेकर आज तक लोग सुनने को तैयार नहीं होते। बस ये मैं नॉट बींग और सिटिंग ओवर हेयर इसकी वजह से बोल रही हूँ, बल्कि दिस इज अ
फैक्ट कि पंजाब में जब आप बात करते हैं, इवन बच्चों से भी बात करते हैं ना, तो वो प्रो हैं पीएमएलएन के हवाले से या नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी काम कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज्यादा उन पर ये इम्पैक्ट है कि बेहतरी हुई है, चेंजेस हुए हैं और यही चेंजेस हम अच्छा। और ये छुरी वाले की जो आपने बात की है, गुलिस्तान जौहर में जो वाकियात हो रहे हैं, जो हर औरत पे अटैक कर रहा है, मैं मौके का फायदा उठाकर ये बात यहाँ पर अनाउंस करना चाहती हूँ कि कमिंग वीक में हमारे पास एक विक्टिम मौजूद होंगी जो यूजुअली शोज का हिस्सा होती हैं, जो कि इस सानहे का शिकार हुई। आजकल उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको दुआओं में याद रखें। अभी तक वो शख्स पकड़ा नहीं गया है, 10 लाख रुपए उससे जुर्माना हो चुका है और बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहती है। मगर हम इस पर प्रोग्राम करने वाले हैं, लाइनअप हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीक आपने हमारे साथ रहना है टू लुक इन टू दिस मैटर कि ये कहाँ तक पहुंचा। जी मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क का एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वारंट जारी किए। कल से सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के जो उनको क्या कहूँ, बहरहाल वो जो उनके लोग हैं एचएमपी उनकी, उन्होंने एक गलत किस्म का ट्रेंड चलाया हुआ है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के। ये लोग इतना नहीं जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बजा पे खुद बैठ के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पूरे आईनी और कानूनी प्रोसेस से गुजर के और हर सूबे से मेंबर्स होते हैं और ये मेरा पहले 5 मेंबर्स में से 2-3 के हवाले से, यानी 3 मेंबर्स ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी जारी होनी चाहिए और अक्सरियत का फैसला था। वो अपने आप को हर कानून से बढ़ाकर समझते हैं, हाजिरी से बढ़ाकर समझते हैं, इदारों का एहतराम नहीं करते और दूसरी जानब पीएमएलएन अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, अपना जो है वो सामना भी कर रहे हैं, फैसले मान भी रहे हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की शरीक हयात की तबीयत नासाज है और अगर वो लंदन में होते हैं और किसी वजह से 1 या 2 पेशी पर नहीं आ सकते हैं तो बड़ा तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया जाता है कि जी अदालत को नहीं मानते हैं, फैसले नहीं मानते हैं। तो पाकिस्तान के लोग लेकिन ये सारा प्रोसेस देख रहे हैं, जिस तरह अभी इन्होंने कहा ना कि वो खिजा के माथे पे वो गुलाब नहीं लिख सकते, खिजा के माथे पे गुलाब नहीं लिख सकते। कैप्टन सरदार साहब को एक रात में गिरफ्तार करके और अदालत में पेश करना और फिर बाकी के तमाम हालात, तो मैं मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, अरे जरूर जरूर, शबे गम में सुनहरे दिन की ताबीरें बनाते हैं, अरे वाह, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, वाह वाह, हमारे सरफरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। अरे वाह वाह भाई, अब 2018 की बात कर लूं तो यकीन है मुझको बाजी जीतने का, यकीन है मेरी है, अरे वाह, मैं गुलदस्ते बनाता हूं वो शमशीरें बनाते हैं। अरे वाह, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। अब टेक्निकल यहाँ पर मुझे टेक्निकल ब्रेक लेने का कहा गया है, टेक्निकल ब्रेक होगा उसके बाद जो टेक्निकल चीजें जंजुआ साहब ने डिस्कस करनी है, वी विल बी कमिंग विद दैट आफ्टर दिस ब्रेक। सफेद छड़ी नजर आए तो ड्राइवर पर लाजम है कि वो अपनी गाड़ी रोक ले और बसारत से महरूम शख्स को गुजरने का मौका दे। सोचिए जिम्मेदारी के साथ। सतरंगिया में हम आपको ना सिर्फ क्वालिटी म्यूजिक से एंटरटेन करेंगे बल्कि हर पेशकश के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी कि सुर और ताल के साथ आपके लगाव में और भी इजाफा हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने अपने दौर और जरूरत के मुताबिक हमेशा बदलते रहे हैं, मगर इंसान ने इन साजों की मदद से हमेशा फितरत में पहले से मौजूद सुरों को ही इस्तेमाल किया है। दिल चला तेरे सारी खुशबू लबदार रे। दुनिया में हर इंसान अच्छा सिंगर नहीं बन सकता और ना ही रागों और तालों का मुकम्मल इल्म जान सकता है, मगर हर इंसान अच्छा लिसनर जरूर बन सकता है। Yeah.
वेलकम बैक. और राजा नहीं, राजा काशिफ जंजुआ साहब की, दोनों ही राजा हैं, लेकिन राजा काशिफ जंजुआ साहब की टेक्निकल बात से हम लोग ब्रेक पर चले गए थे और वो टेक्निकल बात हमने सुनना चाहती हैं और सब सुनना चाहते हैं. देखिए टेक्निकल, जैसे इन्होंने कहा कि हम जो है तामीर की तरफ, हम गुलदस्ते बनाते हैं वो शमशीरे, तो ये वही है एथेंस. हमें वो पुराने रोमन वो वक्त याद आ गया जब स्पार्टा में था, वो लोग एक दो थी ना, एक एक तरफ है कि जी आपने जंग की तालीम लेनी है, आपने लड़ना भिड़ना है, दूसरी तरफ उलूम व फुनून थे. आज हमारे सामने कौन है, तारीख कहां बढ़ी, ताकत थी. हाँ, इल्म की ताकत. अलम उसके हाथ में होगा जिसके हाथ में इल्म होगा. ठीक है, ठीक है जी, ये डिफरेंस है. जंग करेंगे हाथ, हथियारों से लड़ेंगे. जहन में देखें, नफरत वो चीज है जिस बर्तन में होता है उसको भी खराब करता है. वाह, ठीक है. आज ये लोग बहुत ही कोई इल्मी मतलब दानिश्वर होने का नमूना अपने आप को बना के आए हैं, सबूत पेश कर दिया है इन्होंने. आपको शक है हम वैसे ही दानिश्वर नहीं, नहीं, आज मुझे मौका मिला कि मैं इस दानिश्वरी से महजूज हो सकूं. अच्छा देखें, यही कुछ हो रहा है कि मुझे याद है 2000 गालिबन भारत के इलेक्शन थे 2004 के, मैंने उस जमाने में लिखा कौमी अखबार में कि क्रिकेट के हवाले से यहाँ सियासत का ये आलम है जो क्रिकेट से रिटायर होता है, वो कहता है यार मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ. और मैंने देखा ऐसे स्टार भी बड़े करीब से भी देखे, वो कहता है मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मेरी इज्जत करना फर्ज है. अब फर्ज है सुबह वो पॉलिटिक्स में आता है, सारे जो पॉलिटिशियन बैठे हुए 30-30 साल से, खुदा के लिए उनको भी इज्जत हो, वो टेक्निकली समझते हैं. एक सियासी कारकुन की तरबियत होती है और वो एक दिन में नहीं तैयार होता. हर चीज का एक सिस्टम है ना, इसका भी सिस्टम है. हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं यार ये एक एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता. पॉलिटिक्स हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए एक तरबियत है, उससे निकलेंगे. अच्छा, ये गवर्नमेंट लेवल की ऑपोजिशन लेवल की पॉलिटिक्स तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आम पॉलिटिक्स सब हर कोई कर सकता है, जो ऑफिस में हो रही है, घरों में हो रही है और बाकी जगहों पर भी हो रही है. हमने नाम दे दिया उसको मैनिपुलेट करके. देखिए बेमेहर गर्दिशें और बेमकसद बहसें किसी काम की नहीं होती. हमारे यहाँ टेक्निकल ये हो गया, हमारी टीवी इंडस्ट्री ने एक जो ये बहुत सारे खुले और क्या कहते हैं उसमें एक ये चीज आ गई कि आम चौक पे भी बैठा हुआ बंदा सियासत सिर्फ कर रहा है, वो टेक्निकली ये नहीं सोच रहा कि उसके अपने मसाइल क्या है. वो कह रहा है जी वहां ये कर दिया, उसको जो मालूम फीड की जाएगी वो आ जाएगी. अच्छा सोशल मीडिया हमारी तरफ आया, वो ट्रेंड के साथ आया, अब पूरा पाकिस्तान उस पर जो चलता है, बल्कि हिंदुस्तान जो पूरा चलता है वो तो फिल्मों पर चलता है. मुझसे पूछे वहां के जो टॉप ट्रेंड होते हैं ना शुरू के 4-5 वो फिल्मों के वास्ते ही बनते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल बनते हैं. उसमें जो ओपोजिशन पार्टीज हैं दीगर, उनके ट्रेंड की जैसे पीएमएलएन की एक मीडिया सोशल मीडिया टीम है, राना आतिफ रोक, ये लोग एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाले लोग हैं. दूसरी जानेब आए तो वहां एक ऑफिशियल टीम है, एक नॉन ऑफिशियल टीम है. जैसे ये कल कह रहे थे कि एक इंतहाई बेहुदा किस्म का ट्रेंड आ गया इलेक्शन कमिश्नर का, भाई ऐसे नहीं करो, तुम देखो टेक्निकल चीजें क्या है, जो दिल में आएगा आप लेके आ जाओगे, आपको अंदाजा ही नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे करने से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की और किसी भी पॉलिटिकल लीडर की मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी सामने आती है. तो हमारे यहाँ लोगों को भी मौका मिलता है क्योंकि लोग अब काफी अपने आप को अवेयर रखते हैं तमाम मामलों के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से. तो सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करेगा तो वो तो आपको मौका दे रहा है ना कि आप अपने अगले वोट का और अगले लीडर का इंतखाब करें जिसका ताल्लुक इन तमाम तमाम से रिलेटेड हो. लीग तो चले हैं, लीडर हैं, उनकी सियासत कर रहे हैं. मसला दूसरे उसका है कि वो लीडर तो हो ना बुनियादी तौर पे, सियासी बलूगत तो हो, सियासत में आने के बाद उसकी एक सिस्टम होना जरूरी है. वो चीज आप लाएंगे सब कुछ होगा. उन्होंने सब कुछ कह दिया मगर फिर भी आप नहीं, एक जुमला जरूर करूंगा इकबाल की लाइन के, दागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे मन. सर ओपोजिशन लीडर बनना मजाक बात नहीं है. अच्छा वैसे तो हमारे यहाँ ऑपोजिशन भी वो काम नहीं करती हैं जो पूरी दुनिया में ऑपोजिशन का काम समझा जाता है. जो वो गवर्नमेंट पे नजर रखते हैं फलाही कामों पे, डेवलपमेंट के कामों पे, हमारे यहाँ उस पर नजर नहीं रखी जाती. लेकिन चलें हमारे हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन हुकूमत को डिटेल करने के लिए काफी तवज्जो दी जाती है. जी देखें मुखालिफिन जितने भी ट्रेन चला रहे हैं आज तक जितना उन्होंने कुछ किया है, सबसे बड़ी बात इस तरह के कह रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन खुद को पॉलिटिशियन नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है, तो उस हवाले से उनको वो कोई कामयाबी भी नहीं मिल रही, वो अपने मकसद में कामयाब भी नहीं जा रहे हैं, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं. लोग इस वक्त ज्यादा अवेयरनेस उनके अंदर है, वो ज्यादा अवेयर है तमाम मामलों में, और वो जब जब उन्हें मौका मिलता है इन 5 साल के अंदर जितनी जहां जहां भी जमीन इलेक्शन हुए, लोगों को तो अपने वोट की पर्ची से ही मौका मिलता है ना, बैलेट पेपर उनकी ताकत है.
تو وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں ان کو, آئینہ دکھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں, ہمیں ترقی چاہیے, ہمیں پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کون پاکستان کو آگے بڑھا رہا ہے ہم ان کے ساتھ کریں. تو سی پیک کا پاکستان میں آنا, پاکستان کے اندر لاتعداد باہر سے انویسٹمنٹ آنا, پاکستان کی معیشت کو مضبوطی کی طرف جس طرح پاکستان کی معیشت جا رہی تھی, یہ ساری چیزیں لازمی بات ہے کہ جو پاکستان کے مخالف ممالک ہیں جو اس خطے میں بیٹھ کے نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ماحول, اس کا ڈیکورم, عدالت کی کاروائی کو سموتھ بنانے کے لیے ہر قسم کے سیکورٹی کے اور دوسرے انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور وہ انتظامات ہمیشہ کیے جاتے ہیں. ایک پہلی تاریخ پر ہمارے ایک میڈیا کے بھائی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد ہم میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور میں یہ آپ یہ تعریف جو ہے یہ میں کوئی بلا وجہ یا آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا, میڈیا کے دوستوں نے جو ایس او پی عدالت اور ہم سے مل کر یعنی انتظامیہ سے مل کر بنایا اس پہ عمل کیا, اور میڈیا کے دوست رپورٹر جو کہ کورٹ رپورٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو کہ ایک لسٹ کی بنیاد پر جو کہ فیصلہ ہوا تھا وہ اندر جاتے ہیں, باقی تمام دوست جو ہیں وہ احاطہ میں رہتے ہیں مگر کورٹ کے اندر نہیں جاتے, اس لیے کہ کورٹ کے اندر صرف 32 سے 35 لوگوں کی جگہ ہے, وہاں پر پروسیکیوشن کی ٹیم نے آنا ہے, وہاں پر دوسرے وکلا نے آنا ہے, وہاں پر جن کو عدالت سمن کرتی ہے انہوں نے آنا ہے, اور اسی جگہ پر میڈیا اور ہمارے وکلا بھائیوں نے بھی بیٹھنا ہے. آج کا واقعہ افسوسناک ہے, یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر یہ واقعہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیکورٹی جو کہ عدالت کے لیے, عدالت کے ڈیکورم کے لیے, عدالت کی کاروائی کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے احاطہ سے باہر بنائی گئی تھی, وہاں رش ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ افسوسناک آیا. میں انشاءاللہ تعالی ذاتی طور پر جس طرح ہم اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وکلا کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, بار کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, ان کے ساتھ ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے, وکلا اندر بھی جائیں مگر کاروائی بھی چلتی رہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری عدالت کا احترام اور اس کی کاروائی ہے, اس کے بعد ہمارے وکیل اور صحافی بھائی بڑے اہم ہیں, تو ہمیں سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بات کو ضروری بنانا ہے کہ عدالت کی کاروائی میں کوئی خلل نہ پڑے. آج کے واقعے کا کنڈیم بھی کیا گیا ہے, ہم اس کی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور عدالت نے بھی حکم دیا ہے اس کی تحقیق کا, لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق یہ سیکورٹی اور سیکورٹی کے جہاں پوسٹ تھی وہاں سے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو گزرنا چاہ رہے تھے جس میں وکلا بھی شامل تھے, اس وکیل بھائی کو کسی بنیاد پر کوئی چوٹ لگی ہے, لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا کاروائی جو ہے وہ کوئی سیکورٹی فورسز نے نہیں کی جس سے یہ واقعہ, بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, مگر یہ کنفیوژن جو یا کسی بنیاد پر ہوا اس کی ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت کی کاروائی کو بہتر بنانے کے لیے جیسے ہمارے ساتھ صحابی بھائیوں نے ثابت کیا ہے, ہم وکلا کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ایک طریقہ کار بنا کر یہ کاروائی کو آگے بڑھایا جائے. انکوائری کون کر رہے ہیں اس واقعے کی, انکوائری کون کر رہے ہیں, اور دوسرے طریقے انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آج کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں نون لیگ خود ملوث ہے. دیکھیے میں آپ کے کیمروں سے زیادہ سچ کوئی نہیں دکھا سکتا, جس طرح ہم آپ لوگ چند ایک اندر جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ذمہ داران عہدے داران ایم پی ایم این اے چند ایک جاتے ہیں, باقی آپ کے سامنے آپ کے کیمرے دکھاتے ہیں کہ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنے جو سیاسی ہمارے قائدین آتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے اور وہ اسی لیے باہر رکتے ہیں, کارکنوں کے ساتھ سڑک کے اوپر رکتے ہیں
और अंदर नहीं जाते। और अल्लाह का शुक्र है कि आज की भी वाके में कोई सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा कोई ऐसी उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो कहने वाले हैं मैं यही कहने आपसे निकला हूँ कि आप जो कैमरे दिखाएं कि ये वाकया जो है ये किसी गलतफहमी का या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है और वो भी सिक्योरिटी और अदालत से बहुत बाहर हुआ है। वहाँ पर मुझे बताया वो भी कैमरे काम दिखा रही है मध्य भारत में। दूसरा मुझे यह बता दें सुबह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैंने खुद जो खवातीन की तस्वीर देखी है जो कारकुनान है उनकी सुबह आप अंदर नहीं गए जो खवातीन कारकुनान आज यहाँ पर मौजूद थी उनके बारे में बताइएगा कि बच्चों की उनसे बात की जी भाई आप सर सवाल यह है कि आज आप पेश कर रहे थे देखिए उन्होंने रिपोर्ट कोई मांगी नहीं मरियम साहबा ने मेरे से वो काबिले इज्जत है और वो खुद इस तरह के जो वाकया हुआ है उन्हें अफसोस हुआ इस बात पे और यकीनन वो चाहती है कि क्योंकि हुकूमत उन्हीं की पार्टी की है लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट से इंटीरियर से कहा है कि वो भी इस पे देखें। उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगी और हमें ऐसा नहीं बताना चाहिए यहाँ पर ऐसा नई नक्शा पेश करना चाहिए जिसका हकीकत से तल्लक ना हो। हमारे कारकुन या हमारे खवातीन या हजरात जो हैं उनका एहतराम लीडरशिप ना करती तो इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनती इतनी लाखों करोड़ों के लोग वोट कैसे मिलते। हमें इनका एहतराम भी आता है इनको जगह देने भी आती है और मेरे जैसे कई कारकुन आज सिर्फ मेंबर नहीं मिनिस्टर बन के सामने खड़े हैं तो कारकुनों को इज्जत एहतराम हमारी क्यादत देती है और उन्हें देना आता है। और कुछ बताएं कि जब भी पेशी होती है तो कारकुन बड़ी नाराज और देखिए कारकुनों खुद बखुद आते हैं और सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह बाकी कोर्ट भी लोग पहले भी आते थे और आज मैं दोबारा कह दूं ये किसी सियासी वर्कर की वजह से ये वाकया पेश नहीं आया और सियासी वर्कर तो अपनी कुर्बानी देते हैं हमारे रहनुमा भी अपनी कुर्बानी देते हैं हमारे सीनियर तरीन मिनिस्टर्स भी और सीनियर रहनुमा आपके साथ सड़क पे खड़े थे। हमारे सिर्फ 10 से 12 लोग अंदर जाते हैं जिनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में देखकर क्लियर करवाया जाता है उसके अलावा कोई आदमी अंदर नहीं जाता। और मेरी दोबारा गुजारिश है हमें हकीकत पर अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए नहीं तो हकीकत एक नहीं तो दूसरे दिन सामने आ जाती है। आज प्रोग्राम क्या है जाने का वो जब कहेंगे लंदन जा रही है लाहौर जा रही है देखे अब दूसरे इससे हटकर मैंने सुबह भी कहा है पाकिस्तान जिसमें आजकल इकोनॉमी का वावेला है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ रही है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो गिर रही थी वो डूब क्यों रही है इसकी सिर्फ एक वजह है नवाज शरीफ की नाहली। ये नाहली कैसे हुई हम तो बार बार कहते थे कि ये साजिश होगी और साजिश के अब आपको सामने नजर आ रहे हैं। अब लोग परेशान हैं सीपेक खतरे में लग रहा है स्टॉक एक्सचेंज डूब रही है इन्वेस्टर्स का इत्माद कम हो रहा है पाकिस्तान की मईशत पर असरात आ रहे हैं। ये असरात आने थे इस फैसले का क्यों हुआ क्यों ऐसा माहौल बनाया गया कि जिससे डिस्टेबलाइज पाकिस्तान हो गैर मुस्तहकम हो और ये गैर मुस्तहकम हमने खुद किया है ये हम किसी पर मन रहे पाकिस्तान में इस्तेकाम रचना अदारों का भी और सियासतदानों का भी फर्ज है। हमारे कुछ सियासतदान और इसी तरह कुछ और लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो और आज वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। हम चाहते हैं अदारे अपना काम करें अदारे इस बात का एहसास करें और ऐसा माहौल पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए जिससे फिर पाकिस्तान की मईशत हो पाकिस्तान का इस्तेकाम हो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हो उस पर कोई आ जाए। आज ये सवाल सिर्फ एक वजह से उठे हैं कि अच्छे भले वो पाकिस्तान
जो उभर रहा था वो पाकिस्तान, जो कि अंधेरों से उजालों की तरफ जा रहा था, वो पाकिस्तान जहां एक रुपया कोई नहीं लगाता था, करोड़ों अरबों डॉलर चीजें के लग रहे थे, वो पाकिस्तान जिसकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी। आज लोग तजब्जब का शिकार हैं, आज लोग अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर इफरात आ रहे हैं। हमें सिर्फ सियासतदानों को नहीं, तमाम अदारों को भी और तमाम जिम्मेदारों को भी ये देखना है कि ऐसा काम ना करें कि जिससे नुकसान पाकिस्तान का हो। प्रोग्राम अभी हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, उन्होंने फौज के हवाले से भी कहा था कि फौजों पे वो है, उसके बाद आईएसपीआर का बयान भी आया, आप नहीं समझते कि उनके बयान से मुल्क मेरे में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान अब्बासी साहब इस बात पे बयान दे चुके हैं कैप्टन सफदर साहब वाले बयान पे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद मेरे कहने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। अदालती कार्रवाई बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम करेंगे। वाकई अफसोसनाक है, रश की वजह से ऐसा हुआ। सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। वकला और बार के साथ मिलकर लायहा अमल बनाएंगे ताकि दोबारा अदालती कार्रवाई मुअत्तल होने जैसा कोई वाकया पेश ना आए। आज के वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और आज के इस वाकये में कोई सियासी रहनुमा या सियासी कारकुन मुलव्वस नहीं था। वज़ीर मुमलिकत का दाखिला तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीवी न्यूज से यह थी ताज़ा तरीन। जो है वो बांध दिया जाता था ठीक है। देखिए, इनकी जहां तक ये कहते हैं, ये हकीकत है कि जब ये हुकूमत में नहीं थे पिछले अशरे में, अच्छा इरशाद अहमद हक्कानी साहब ने उस जमाने में लिखा, जब हुकूमत गई नून की 13 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर के बाद की, तो 13-14 अक्टूबर इसी दिनों में उन्होंने लिखा, अशरा मुशरफ के नाम से उन्होंने लिखा। लोगों ने कहा ये क्या, कहने लगा अब ये आए हैं तो ये अशरा गुजार के जाएंगे, और इन पे जितने जुल्म सितम हुए वो हकीकत थे। अच्छा एक छोटा सा किस्सा मैं आपको एक मुख्तसर का बताऊं कि जो मेरे आंखों देखा है, सुनी सुनाई होती है ना कि यार इनकी मकबूलियत है, चले ये कह रहे हैं ना, मैंने देखी। मैं एबटाबाद में मेरा जाना हुआ, वहां मैं अपने एक अजीज के पास में बैठा हुआ, एक लोकल बल्दिया का दफ्तर मेरे सामने वो, और काम हुकूमत मुखालिफिन की, वो लड़का एक मेरे सामने एक लड़का आया था 18-20 साल का, हाथ में किताब की कुछ चीज बात हो रही, कह रहा है यार ये नून लीग का सपोर्टर है। तो वो हंसने लगा एकदम से, उसने कहा यार तुझे यकीन नहीं आता ना, यूं हाथ पकड़ा कहते खोल ये किताब। वो जो किताब थी उसने खोली, उसमें मियां साहब की तस्वीर थी। मैंने हैरत से देखा, मैंने कहा यार, अच्छा मुझे उससे पहले ये नहीं था कि यार मियां साहब से मोहब्बत भी है लोगों को, ये एक होता है ना फैक्ट। मैंने देखा, मैंने कहा यार अच्छा ये क्या चीज, कहता यार हमारी हुकूमत नहीं है तो क्या हुआ, हम इनसे काम कराने आ रहे, लेकिन देखो मियां साहब आएंगे हम फिर उनके साथ होंगे। वो लड़का यार, बच्चा इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा, वो जगह जो एबटाबाद जो इनका घर था, मियां साहब इलेक्शन लड़ते थे, इसका मतलब मोहब्बत तो है ना, यानी लीडर से मोहब्बत, कोई भी लीडर हो अगर उससे उसकी उसके गिर्द एक हाला बन गया है, आप उसको बदल नहीं सकते। उसके अब वो कुएं में कूदे चाहे वो मुल्क को तरक्की दे दे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके फॉलोअर तरक्की देगा, उसके फॉलोअर्स भी तरक्की करेंगे। अगर वो मौत की तरफ ले जाएगा तो सब उसके फॉलोअर भी मौत की तरफ ले जाएंगे। तो ये टेक्निकल चीज है, ये होती है क्या कहना चाहिए, समाजी नफ्सियात है, सोशल क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजी है कि एक लीडर के गिर्द जो एक हाला बनता है उसका एक और उसके गिर्द जो एक चीज टेक्निकल बनेगी वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी है हाँ एक कमी मैं ये जरूर देखता हूँ, इनकी जो अब जो चीजें हैं, कराची का वोटर अब बड़ा एक गैप है, क्या ये उसको मुतवजा करेंगे, साइड पे ना लोगों ने इतना बड़ा काम किया, ये लोग उसको उजागर करें। मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये लोग उस तरह से टेक्निकली लेके जाएं, बताएं कि हमने काम किया है यहाँ, अपनी वफाकी प्रोजेक्ट लेके आए तो ये खुद करें उसको, बजाय इससे कि यहाँ नाजिम को दें फलाने को दें, क्योंकि वो वोट लेने जाएगा जाएगा हमने काम किया, तो इनको टेक्निकली खुद करना चाहिए। नहीं नहीं वो तो सब समझ आया, सारी न्यूज में आया किसने क्या शुरू किया है, मेरा वोटर को भी तो अब ये कोई नाजिम या कोई कह नहीं सकता कि ये वोट यहाँ बैठे हैं।
हाँ, लेकिन ये है कि ये सारी अवेयरनेस मेरे ख्याल में है, मगर जो अगर हम अपनी कराची की बात करें या सिंध की बात करें तो ऑब्वियसली लोग कंसर्न होते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुके हैं वो खत्म भी होने चाहिए, उनका अख्ताम कामयाबी के साथ और ड्यू डेट पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और 2018 का साल हमारे लिए बहुत ही अहम साल है हर जाविये से, और जिस तरह आपने कहा कि फतह आपकी है तो फतह देखते हैं कि फतह के कितना करीब आप चले जाते हैं, और ये तमाम ज्यादा क्लोज है इसमें कोई शक नहीं है। अब सिर्फ फर्क ये है कि ये हिकमत अमली मीडिया के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, अपना ये एक मीडिया के जो लोग हैं क्या ये इनके पास प्रॉपर लोग आएंगे, क्या इनके साथ एक अच्छी लाइनअप होगी, ये टेक्निकल सवाल है। ठीक, अगर ये करेंगे तो ये राजा काशिफ जंजुआन साहब ने बहुत आप लोगों के बारे में डिटेल और पढ़ाई और एक्सपर्टीज है ना, काफी इन्होंने रिसर्च की हुई है, मैं तो आज बहुत इनसे मुतासर हुई हूँ इस बात से। खैर आपसे